तो आपको तो परिवर्तन करना आएगा कि मोर्चा लगाने की आदत बॉम्बे में देख लिया और कैसे लगते हैं मोर्चे वहाँ पर, तो क्या किया अभी तक आपने? एक साल के कार्यकाल में देश भर में जितने भी कार्यक्रम किए, लगभग 10 लाख बहनों को शामिल किया उन कार्यक्रमों में। साथ ही जो परमानेंट कमीशन फॉर वेमेन है इन दी आर्मी, वो जो केस था वो हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा और जीता जैग और एजुकेशन के फील्ड में। अभी फाइनल हियरिंग हमारी बाकी है। मोर्चे का मतलब धरने देना, लड़ाई करना। मेरी इच्छा थी कि ना हमारा काम सिर्फ धरने और मोर्चे तक सीमित ना रहे, हमारा काम उससे थोड़ा एक कदम आगे भी बढ़े। इसीलिए जब यूनिफॉर्म की बहनें लड़ रही थी, संघर्ष कर रही थी, तब मैंने सोचा कि हम एक सोल्यूशन का, समाधान का हिस्सा बने। समस्या क्या है कि राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक इतिहास में शायद पहली बार किसी मोर्चे ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी लड़ाई लड़ी और जीती। महामंत्री कौन है आपकी पार्टी में? एक महिला है सिर्फ महामंत्री? हमारी पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी है देश में जिसने महिलाओं के इस विषय को समझा और कहा और अनाउंस कर दिया 33% आरक्षण हम लोग महिलाओं के लिए न सिर्फ संसद में मांगेंगे बल्कि अपने संविधान को बदलकर वो हम आरक्षण महिलाओं को अपने पार्टी में भी देंगे। महामंत्री कितने हैं महामंत्री आपके? अब हमारे जितने महामंत्री बताइए ना, 33% गिनाता हूँ ना मैं आपको। अभी जो स्लॉट खाली है प्रभु जी, उसमें कौन आएगी? जब भरे गए थे तब 33% क्यों नहीं रखे? अभी एक और महामंत्री की अगर घोषणा होगी तो आप अचंभित ना होइएगा। आपकी पार्टी में 639 MLA खड़े किए, कितनी महिलाएं खड़ी की थी आपने? 10% और कांग्रेस पार्टी की पता कितनी थी? 19% भी आप। लेकिन मैं सवाल आपसे करती हूँ कि महिला हो या पुरुष, कांग्रेस में ऐसा एक विधायक या विधायिका आप मुझे दिखाइए जो अपनी मर्जी से किसी प्रस्ताव पर या तो बोल सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी में कहाँ है लोकतंत्र? वहाँ पर तो सिर्फ हाईकमांड का चाबुक चलता है। आप एक बार बता दीजिए कि किस जगह आपकी 33% रिजर्वेशन है, कौन सी स्टेट में है, कहाँ है, गिना दीजिए मेरे को। हर प्रदेश में संविधान के हिसाब से हमने 33% आरक्षण दिया है और प्रदेश में मैं महाराष्ट्र की बात करती हूँ, उपाध्यक्ष सीनियर पोजीशंस में महिलाएं हैं, उनमें से कई ऐसी हैं। आपको मध्य प्रदेश गिना दूं, माया सिंह जी जो चीफ विप है राज्यसभा की मध्य प्रदेश में, वो महामंत्री हैं। कांता नलावड़े जो महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा रह चुकी हैं राष्ट्रीय, वो महाराष्ट्र में सीनियर उपाध्यक्ष हैं। किरण माहेश्वरी जो मुझसे पहले सर्व कर रही थी महिला मोर्चा की अध्यक्षा के रूप में, वो राष्ट्रीय महामंत्री है। आपकी इतनी पॉपुलैरिटी, जब टीआरपी आप जब हट गई तो टीआरपी गिर गई, फिर वापस आई थोड़ी सी बढ़ गई, पर पॉलिटिकल टीआरपी आपकी बनी कि नहीं बनी? मैं नहीं जानती प्रभु जी, मैंने 2004 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद कोई चुनाव लड़ा नहीं, नहीं तो मेरी पॉलिटिकल टीआरपी कैसी है कितनी है वो जो मैं चुनाव लड़ूंगी तब पता चलेगा। राहुल गांधी सारे बिहार में घूमे, 4 सीटें मिली, आप भी सारे प्रदेशों में घूमी पर सीटें नहीं मिली। मैं बिहार में घूमी, उसमें 13 महिलाओं को टिकट दी गई, उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो लगातार हार हो रही है उस हर बाईपोल के इलेक्शन में मैं जाती हूँ। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का सरकार है, असम में बहुत गई आप? मैं असम में इतना नहीं गई थी लेकिन संगठन के कार्य से गई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पार्टी की हार किसी प्रदेश में मेरे माथे मरना चाहते हैं तो मैं स्वीकार करूँ। कई बार होता है जैसे सोनिया जी बहुत जगह जाती हैं, राहुल गांधी बहुत जगह जाते हैं, आप मुझे अगर सेम लेवल पे डाल रहे हैं प्रभु जी तो आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी से भी फोन आ जाएगा। आने तो मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं इतना जवान हूँ कि किसी की चिंता नहीं है मेरे को। वो एक और इंटरव्यू। देखिए केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में हमारी संगठन की जो स्ट्रेंथ डेवलप करने की ज़रूरत है हम ये जानते थे अच्छी तरह से। पश्चिम बंगाल में भी हमारे सामने यही चैलेंज था और हम जानते थे कि ममता जी के पक्ष में एक वेव है, एक डिज़ायर थी लोगों के मन में कि हमें लेफ्ट को किसी भी हाल में हराना है, बाहर निकालना है, लेकिन उसके बावजूद हमने वहाँ पर कड़ी फाइट दी। अभी राष्ट्रीय नेता कौन है अटल जी के मुकाबले का, जो उसका चेहरा आप पर आगे ले जाकर के चले? हमारे हर नेता ने अपने अपने लेवल पे पार्टी को और सशक्त करने के लिए कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा जो नेता होता है वो अपनी बात छोटे शब्दों में कहो तो लोग ज्यादा सुनते हैं, शोर मचाने से कम सुनते हैं। आपने शायद मुझे सोनिया गांधी के साथ कंफ्यूज कर लिया है। ना, वो तो बोलती ही नहीं है बिल्कुल, वही तो प्रॉब्लम है। इसलिए तो असर है उनका, 206 सीटें जीती थी आपने। देखा प्रभु जी कि 2G में 1,75,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सोनिया गांधी का असर मैंने, उसके बाद 3 स्टेट कांग्रेस जीती है और आप ने घोटाला किया वो असर मैंने सोनिया गांधी का जीती है। रामलीला मैदान में रात के अंधेरे में महिलाओं और बच्चों पर लाठीचार्ज करवाया, हाँ सोनिया गांधी की खामोशी चीख चीख कर बोल रही है कि उनके घर में लोकतंत्र के लिए जगह नहीं है। आपका जो मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल की सपना क्या, आप फिल्मों में जाएंगे? मैं सपने नहीं देखती हूँ, हकीकत में रहती हूँ। हकीकत में आप क्या करने वाली हैं? आज जब आपके सामने बैठी हूँ तो बंगाली और तेलुगु फिल्म कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु राजनीति। राजनीति में आपने फिल्म टीवी में वापस जाने का सोचा नहीं है कुछ भी?